नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग में मैं करूंगा अपने फ़ायदे की बात। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो और आपकी सिचुएशन सेम वैसी है जैसी मेरी है, तो हो सकता है इस वीडियो में आपका भी फ़ायदा। तो क्या है वो फ़ायदे की बात, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बताना। एक तो है मेरे पास ये एंटॉर्क, ठीक है, ये देती है 40 की एवरेज, 40 से 42 की एवरेज। और दूसरी है मेरे पास ये बुलेट, ये तो देती है 25 से 30 की एवरेज। और तेल हो रहा है इतना महंगा। और ये है प्लैटिना, ये एवरेज अभी इसकी बिगड़ी हुई है, 50 के करीब दे देती है। और ये है मेरी स्प्लेंडर, ये पहले बहुत अच्छी एवरेज देती थी लेकिन अभी इसकी हालत ऐसी है और इतनी ख़राब है कि ये बहुत ही ख़राब एवरेज देती है। कम से कम ये देती है 45-40 की एवरेज। तो इतने महंगे तेल में इन सब बाइकों को चलाना हो रहा है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, खासकर इस बुलेट को। और ये जो अभी चलने की कंडीशन में है नहीं, चलती है लेकिन इसकी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। आप देख सकते हैं इसका टायर भी जो है वो पूरा घिसा हुआ है पूरा, और नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ इसकी, मैंने वो चिप वाली नंबर प्लेट भी नहीं बनवाई। और मडगार्ड इसके इंडिकेटर हम कितने भी डलवा लेते हैं नहीं चलते। और इसकी इधर से भी हालत देख लीजिए। लेकिन ये बाइक एक फ़ायदा दे रही है मुझे। क्या फ़ायदा दे रही है मैं बताता हूँ आपको। अभी मेरी सिचुएशन क्या है, एक तो वाईफाई का तार भी हटा जा रहा है। अभी दोस्तों मेरी सिचुएशन ये है कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वो मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है, तो मुझे डेली का 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, तो मुझे डेली का 30 किलोमीटर बाइक चलानी होती है। और ये जो मेरी बुलेट है ये कम से कम खा जाती है 100 रुपये का तेल, कम से कम नाना करते करते 100 रुपये का तेल खा जाती है। तो इस हिसाब से अगर ये 100 रुपये का तेल डेली खाएगी तो मेरा हो गया महीने का 3000, प्लस मैं 1500 की इसकी सर्विस अगर हम कंपनी में करवाते हैं तो वहाँ पर लगते हैं इसके 3500-4000 के करीब। लेकिन अगर हम इसको बाहर मिस्त्री से करवाते हैं, अपने मिस्त्री से, तो वहाँ पर भी इसका खर्चा आ जाता है 1500 के करीब। तो 3000 का तेल और प्लस मैं 1500 की सर्विस, टोटल खर्चा कितना, 4500 रुपये। और अगर मैं ये स्प्लेंडर चलाता हूँ तो इसके एक भी इंडिकेटर नहीं है और पूरी ये गल चुकी है यहाँ से इसको बनवाने का फ़ायदा नहीं है। हाफ इंजन का भी ये काम मांग रही है और क्लच व्लच इसमें कुछ भी मतलब ढंग का नहीं बचा है जो इसे मैं चलाऊँ, इसमें गिरने का खतरा हो रहा है, ना इसकी लाइट ढंग की है। तो अब दोस्तों मैं सोच ये रहा हूँ कि ये जो मेरी बाइक है स्प्लेंडर, ये जमा हो रही है 12000 रुपये में, और अगर मैं इसको बाहर बेचता हूँ, मतलब कोई मेरा जानकार अगर लेता है बाहर मार्केट में बेचता हूँ, तो ये कम से कम 15 से 18-20 हज़ार के करीब निकल जाएगी। और अब मैं सोच ये रहा हूँ कि इस बाइक को निकाल के 15 में 16 में जितने में भी ये निकलती है, इसको निकाल के स्कूटी बुक करवाता हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी हीरो ऑप्टिमा। उसका प्राइस है टोटल दिल्ली में, डबल बैटरी वाली है, जो सिंगल बैटरी वाली का 57000 रुपये वो चलती है 50 किलोमीटर, जो डबल बैटरी वाली है वो चलती है 90 किलोमीटर, कंपनी कह रही है 90 चलती है तो 80 तो चलती होगी, और उसका प्राइस है 63000 रुपये। अब दिल्ली में लेने का फ़ायदा ये है कि एक तो मोदी सरकार हमें दे रही है सब्सिडी 7000 रुपये पूरे देश में अगर आप कहीं भी लेते हो, लेकिन दिल्ली में प्लस फ़ायदा ये कि केजरीवाल भी हमें सब्सिडी दे रहा है 7000 रुपये। तो 63000 की स्कूटी में 14000 की तो हो गई सब्सिडी, ठीक है दोस्तों, 14000 की सब्सिडी स्कूटी पड़ी हमें 49000 की। और ये जो मेरी बाइक है इसकी कीमत लग जाएगी 15000 की। तो 15000 की बाइक बेच के स्कूटी बुक करवा दूँ, 3 महीने के बाद आएगी क्योंकि अभी उसमें 3 महीने की वेटिंग चल रही है, स्कूटी बुक करवा देता हूँ और बाकी जो बचेंगे थोड़ा बहुत और ऊपर से मिला दूंगा, बाकी जो बचेंगे उसको मैं फाइनेंस करवा दूंगा। कितने भी पैसे बच जाते हैं, मान लो 35000-40000 जो भी बच जाते हैं, 30000 दो साल की या एक साल की किस्तें बनवाऊंगा तो मेरी किस्त बन जाएगी 2000 के करीब, 1500 से 2000 के करीब मेरी 2 साल की किस्त अगर मैं बनवाऊंगा तो आराम से बन जाएगी। और मेरा खर्चा बुलेट में है टोटल 4500 रुपये। अगर मैं 2000 की किस्त बनवाता हूँ तो जो मैं तेल में और बुलेट की सर्विस में लगा रहा हूँ वो मेरा बच जाएगा, प्लस में मेरी किस्त भी भर जाएगी 2000 रुपये, और 2500 रुपये मेरी जेब में आएगा इस आने जाने के खर्चे से जो बचेगा। और ये स्प्लेंडर भी मेरा बहुत बढ़िया काम कर जाएगी। और उसको चार्ज करने का जो यूनिट है
हीरो ऑप्टिमा बहुत ही अच्छी, मैंने उसके रिव्यू देखे, उसकी बहुत सारी मैंने जानकारियाँ निकाली, उसके रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं। और वो जो अपनी स्कूटी है वो 4 या 5 यूनिट में पूरी फुल हो जाती है। अब दिल्ली में तो बिजली भी फ्री है, अगर फ्री नहीं है तो मान लो आपकी 20 से 30 रुपये में पूरी चार्ज हो जाएगी। जहाँ मैं 300 रुपये में बुलेट से 300 रुपये में 3 दिन काटता था, वहीं मैं 10 हटा के 30 रुपये में 3 दिन काटूँगा। अगर आपकी भी है सेम यही सिचुएशन तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। लेकिन मेरे पापा परमिशन नहीं दे रहे, पापा से भी पूछूँगा एक बारी, पटाऊँगा उनको कैसे ना कैसे करके, और इस स्प्लेंडर को निकालूंगा, इसे कबाड़ा नहीं बोलूँगा क्योंकि इसने 10 साल काटे हैं, 10 मॉडल है। तो इसको निकाल के हीरो ऑप्टिमा लाऊँगा और बिना खर्चे के चलाऊँगा, क्योंकि तेल में तो हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं जब जाऊंगा स्कूटी बुक करवाने तो पूरी के पूरी जानकारी है वो ब्लॉग बना के डाल दूंगा, ताकि आपको भी जानकारी मिले, आप भी पैसे बचा सकें मेरे द्वारा।